फिर भी दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन में लाभ और हानि का प्रॉफिट एंड लॉस के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए। किसी वस्तु को 48वें बेचने पर 20% का अगर लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 20% लाभ का मतलब क्या होगा? देखिए पहले इससे सोल्व करते हैं। 20% बराबर 20/100, 20 से 20 100 बराबर 1/5। जब लाभ होता है तो जुड़ेगा, यानी कि 5 पे 1 रुपये का लाभ, यानी कि 6 रुपये। विक्रय मूल्य क्या होगा? 6 रुपये। और ये 6 किसके ऊपर बराबर होगा? 48 के बराबर होगा। तो 6 × 6 = 48, इसी 8 का गुणा यहाँ कर दीजिए तो 8 बन जाए 40 क्रय मूल्य। कितनी जल्दी आंसर आ गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 800 रुपये बेचने पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य बताओ। देखो बीस परसेंट की हानि, देखिए तो 20/100, 20 से कम 20 100, 1/5। अब यहाँ दोस्तों हानि हो रही, तो 5 पर 1 रुपये की हानि, 5 पर 1 रुपये की हानि, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हुआ? 4 रुपये हो गए। 1 रुपये कम आया तो 4 रुपये हो गए। और ये 4 किसके बराबर है? 800 के बराबर है। तो 4 से काटा 200 आ गया। इसी 200 का गुणा यहाँ कर दो तो 5 × 10, 1000 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। 1000 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, उसी वस्तु को वह किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ होगा? देखिए जैसे क्वेश्चन को पहले कितने में बेच रहा हूँ? 450 में बेच रहा है। अब जो आखिरी में पूछा जाए उसको ऊपर रखना, जो लास्ट में जो पूछे उसको ऊपर रखना। 25% लाभ यानी कि 125, और 25% हानि का मतलब होता है 100 में से 25 घटाओ तो 75। 25 से 25 दिया 75, 25 × 125, 3 से काटा तो 3 × 5 = 15, 3 = 45, और 15 × 75, 750 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। 750 रुपये में वो बेचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 105 रुपये में बेचने पर 9% की हानि होती है, 9% की हानि होती है, अगर 30% लाभ लेना चाहे तो कितने में बेचेगा? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, 105 × 30% लाभ यानी कि 130, 9% की हानि यानी कि 9 घटे तो 91। अब देखो 13 × 13 और 13 × 7 = 91, 7 × 7 और 7 × 35, 15 × 10 = 150 रुपये। डी ऑप्शन अपना मैच कर गया, डी ऑप्शन अपना मैच कर गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 640 में बेचने 15% की हानि होती है, अगर 15% लाभ लेना चाहे तो कितने में बेचेगा? देखो 640, 15% लाभ यानी कि 115, 15% की हानि यानी कि 15% हानि मतलब कितना होगा? 85 में बेचेगा तो 17 से काट लो, 5 से काटो, 5 × 5, 5 × 7 = 35, 5 × 10, 5 × 3 = 15, 17 × 4 = 68, 680 रुपये होगा। यहाँ कितना होगा? 17 × 4 = 68 और 23 × 92,
940 रुपये। इसका मूलधन कितना होगा? 940 में वो बेच रहे। हाँ रुको दो मिनट, आई लो। एक व्यापारी 10 रुपये का 11 में वो करता है। देखो रुपये वस्तु है ना, 10 रुपये में कितना खरीदता वो? 11। ये तो उसका क्रय विक्रय, और 11 रुपये के 10, इसका गुणा इधर नहीं इसका गुणा इधर, तो 10 दाम 100 और विक्रय 11 121। लाभ कितना होगा? 21/100 × 100/1। 100 कट गया 21, 21% उसको लाभ हुआ। ये ऑप्शन राइट आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो चलो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना बोले।